अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सब हरिया से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको माशाल्लाह आज की व्लॉग शुरू करते हैं। आज तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग में आपको माशाल्लाह आज बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने लगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो, इंशाल्लाह आगे आपको बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले मौसम की अपडेट देते हैं। माशाल्लाह जी, मौसम के ये अपडेट है कि बादल के साथ आस्ता से धूप भी है, थोड़ी थोड़ी धूप है, तो जो नहीं अच्छा क्योंकि ये हबस का सीन बनता है। हबस बात तो सही है वगैरह। तो इंशाल्लाह पहले सबसे पहले काम करते हैं। दरअसल आपको आगे बताएंगे आज की वीडियो में क्या स्पेशल होने लगा है और क्या ही अच्छा दिन है हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए। इंशाल्लाह चलते हैं, पहले एक दो काम है, एक दो प्रिंटर निकलवाते हैं। तो चलते हैं, पहले प्रिंटर निकलवा के आते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह भी करते हैं। नाश्ता करने के बाद एक दो काम और भी हैं और आप साथ साथ हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में लाजमी आपका बहुत मज़ा आने वाला। चलते हैं सबसे पहले। माशाल्लाह जी, जिस काम के लिए गया था प्रिंट वगैरह जो से निकलवाने थे वो तो नहीं हो सका, क्योंकि अभी दुकान में इंटर हुआ हूँ, साथ ही बिजली चले। मैं नवा फटा पा गया और तकरीबन उसे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि बिजली आने वाली नहीं थी, इसलिए मैं घर पर आ गया। क्योंकि घर में नाश्ता वगैरह बन रहा था, हमारे पास नाश्ते में है एक कप चाय प्रॉन्ट है और साथ में है हाफ फ्राई एग, और उसके साथ साथ इसके ऊपर अगर काली मिर्चें ना हो तो इस अंडे का मज़ा ही नहीं है। हाय हाय, तो दरअसल ले लिया हूँ जाके और कुछ नहीं होगा। चलते हैं अभी टेस्ट करते हैं कैसे बना आज का नाश्ता। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी बेहतरीन है, मज़ेदार। साथ में कप चाय, एक घूंट चाय। इंशाल्लाह अभी मिलते हैं नाश्ते के बाद। नाश्ता करने के बाद मैं इस वक्त दुकान पे आ गया दोबारा प्रिंटर निकलवाने के लिए। तो अभी अल्लाह के फजल से बिजली वगैरह तो है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि रश बहुत। काफ़ी देर खड़े होने के बाद मैं प्रिंटर निकलवा के घर पे आ गया हूँ। और आपको बोला था आज हमारे घर के लिए और मेरे लिए एक खुशखबरी है, वो ये है कि वाले साहब जा रहे उम्रे पे, और जाहिर सी बात अल्लाह जो लोग उम्रे पे जाते हैं लोग मिलने के लिए आते हैं और दुआओं के लिए कहते हैं। अल्लाह पाक मेरे वाले साहब का इंशाल्लाह उम्रा कबूल करे। तो जाहिर सी बात है मेहमान आएंगे तो उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं अपनी दूसरी हवेली में, उधर से लाते हैं नींबू और इंशाल्लाह उसकी बनाएंगे शिकंजवी, वो खुद भी पियेंगे और इंशाल्लाह मेहमानों को भी ठंडा पानी शिकंजवी पिलाएंगे। चलते हैं अभी मिलते हैं हवेली में। बहुत गर्मी है, ओए ओए माशाल्लाह ये लीमू वगैरह तो उतार लिए माशाल्लाह। आपको इनका साइज़ बताता हूँ मैं लीमू का, एक मिनट के ये देखें, काफ़ी बड़ा साइज़ है लीमू का। और इसके साथ साथ आपको दिखा दूँ मैं ये तकरीबन लीमू वगैरह तो गाड़ ले हैं क्योंकि खासी गर्मी थी, क्योंकि पसीना बहुत आया। तो चलते हैं अभी इंशाल्लाह, जोर की नमाज का भी वक्त हो रहा है और सबसे पहले शावर वगैरह लेते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करके इंशाल्लाह चलते हैं नमाज जोहर की अदा करने। इंशाल्लाह मिलते हैं जोहर की नमाज के बाद। अल्लाह जी माशाल्लाह जी पैकिंग वगैरह तो कर लिया है माशाल्लाह, दो बैग हैं क्योंकि जहर से बात उम्र पे जा रहे हैं, बहुत सी अशिया ज़रूरी हैं साथ ले जाने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं अभी, और माशाल्लाह ये जितने भी अफराद बैठे हैं, वतीन बैठी हैं, माशाल्लाह ये सब उम्र के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह जी। आपको गाड़ी दिखाएं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह तकरीबन 2834 अफराद जा रहे हैं उम्रे के लिए। आपको अंदर से दिखाते हैं माशाल्लाह, ये देख सकते हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास की माशाल्लाह गाड़ी है माशाल्लाह जी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदर से अच्छा निज़ाम है गाड़ी का माशाल्लाह जी। अभी चलते हैं माशाल्लाह जी, तमाम जिन्होंने उम्रे की अदायगी के लिए जाना माशाल्लाह जी आ चुके हैं, उनका सामान ऊपर ड्राइवर लगा रहा है माशाल्लाह, देख सकते हैं काफ़ी हवातीन भी हैं और माशाल्लाह तमाम उम्र के ज़ायरीन माशाल्लाह जी उनकी रवानगी है। और माशाल्लाह जी अल्लाह पाक इनका उम्र कबूल करे और अपनी हैर हफीयत से वापस इनको पहुँचाए। तो माशाल्लाह जी ये था हमारा आज का व्लॉग, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।